Chapter 11 Understanding Quadrilateral, second worksheet, fourth question. Two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 1:5. Find all the angles of the parallelogram. तो adjacent angles मैंने इससे पहले वाले question में property जब बताई थी parallelogram की उसमें बताए थे. Adjacent angles कौन से होते हैं जो same side के ending points पे बन रहे हैं. जैसे angle अगर हम same side एक side लें AB तो AB के end point पे जो angle बन रहे हैं यानी angle A और angle B adjacent हैं. BC side considered करेंगे तो B एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट होंगे. सी डी साइड लेंगे तो एंगल सी और एंगल डी एडजेसेंट होंगे और ए डी लेंगे तो एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे. तो दो एडजेसेंट एंगल जो है पैरेललोग्राम में वो है 1:5 में. तो हमने एडजेसेंट एंगल्स लिए रेशियो में है क्योंकि लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी एक्स 1x को x ही लिखेंगे एंड 5x. अब हमें मालूम है एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री क्योंकि वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो 180 डिग्री होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं. तो पैरेलल साइड ए बी और डी सी दो पैरेलल लाइन है और ए डी हमने वो ट्रांसवर्सल ली तो एंगल ए और एंगल डी ये एडजेसेंट एंगल है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो इनका सम होगा 180 डिग्री. तो हमने वो एंगल ए और एंगल डी ले लिए जो एडजेसेंट एंगल है और इनका सम होता है 180 डिग्री. रीजन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. Same side of a transversal या को इंटीरियर एंगल. आप को इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल. तो एंगल ए लिया हमने x प्लस एंगल डी लिया हमने 5x. इन दोनों का सम है 180 डिग्री. तो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x की वैल्यू हमने फाइंड करी 180 डिग्री अपॉन 6 मींस 30 डिग्री. तो एंगल ए की वैल्यू आई एंगल ए जो कि x था 30 डिग्री. अगर एंगल ए 30 है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो एंगल सी भी एंगल ए के इक्वल एंगल सी है तो वो भी 30 डिग्री होगा. रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सिमिलरली हमने सेकेंड एंगल निकाला एंगल डी. तो एंगल डी की वैल्यू क्या है 5x. तो एंगल डी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 30 डिग्री मीन्स एंगल डी आया 150 डिग्री. एंगल डी 150 है तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी. तो एंगल बी भी कितना होगा 150 डिग्री. रीजन सेम रहेगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो इस तरह से हमने सारे एंगल फाइंड करे. एंगल ए हमने निकाला 30 डिग्री तो एंगल सी भी निकला 30 डिग्री. एंगल डी की वैल्यू फाइंड करी 150 तो एंगल डी बी भी आया 150. फिफ्थ क्वेश्चन एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 110 डिग्री. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. ए बी सी डी हमने एक पैरेललोग्राम लिया और उसमें एक पॉइंट डी सी को आगे तक बढ़ा दिया ई पॉइंट तक और उसे नेम दे दिया ई. बी सी ई ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया जो गिवन है 110 डिग्री. एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है बाकी और सारे एंगल्स जो है हमें पैरेललोग्राम के वो फाइंड करने हैं. तो हम देख सकते हैं एंगल बी सी ई प्लस एंगल बी सी डी ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर. ये प्लस ये एंगल ये दोनों है लीनियर पेयर. तो सबसे पहले हमने लिखा एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी
E is equal to 180 degree. Reason, ये है लीनियर बेयर. बी सी डी हमें हम फाइंड कर सकते हैं और बी सी ई एंगल बी सी ई एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 110 डिग्री. तो इस तरह से एंगल बी सी डी आया 180 माइनस 110 मीन्स 70 डिग्री. तो ये वाला एंगल बी सी डी हमारे पास फाइंड हुआ 70 डिग्री. तो ये किसका अपोजिट, इसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए. तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. रीजन लिखा हमने अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो एंगल ए कितना हुआ 70 डिग्री. एंगल ए फाइंड कर लिया. अब हम कोई भी एडजेसेंट एंगल ले सकते हैं, चाहे एंगल ए का एडजेसेंट ले चाहे एंगल बी सी डी का ले. तो एंगल ए का एडजेसेंट एंगल हो गया एंगल डी. तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. रीजन, इनका सम 180 डिग्री होता है. एंगल ए हमने पुट करा 70 डिग्री. तो एंगल डी की वैल्यू फाइंड हुई 180 माइनस 70 110 डिग्री. तो एंगल डी फाइंड हो गया और एंगल डी के इक्वल है एंगल बी. रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. इस तरह से एंगल बी आया 110 डिग्री. तो एंगल ए 70 डिग्री, एंगल डी 110 डिग्री, एंगल बी 110 डिग्री और सबसे पहले हमने एंगल सी यानी कि बी सी डी एंगल निकाला था 70 डिग्री. टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:8 एंड इट्स पेरीमीटर इज 110 सेंटीमीटर. फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ए बी सी डी हमने एक पैरेललोग्राम लिया जिसमें दो एडजेसेंट साइड जो है पैरेललोग्राम की वो 3:8 है. तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन होता है. जैसे हमने एक साइड ली एडी, एडी के साथ दो एडजेसेंट साइड बनेंगी. एडी की डी एक वर्टेक्स हो गया, कॉमन है, डीसी के साथ भी है और एडी के साथ है. तो एडी और डीसी एडजेसेंट साइड है. इसी तरह से डीसी और बीसी एडजेसेंट है, बीसी और एबी एडजेसेंट है, एबी और एडी एडजेसेंट है. जिसमें एक वर्टेक्स, दो साइड जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन है उसे हम एडजेसेंट साइड्स कहते हैं. और एडजेसेंट एंगल जो सेम साइड के एंडिंग पॉइंट पे बनते हैं, जैसे एडी एक सेम साइड हो गई, उसके एंडिंग पॉइंट हो गए एंगल ए और एंगल डी. तो ए और डी उसके एंड पॉइंट हो गए. तो एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो एडजेसेंट साइड हमने ली, लेट द एडजेसेंट साइड्स बी 3x एंड 8x. सेकेंड प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की वो क्या है, जिस तरह से अपोजिट एंगल्स आर इक्वल उसी तरह से अपोजिट साइड जो होती है वो भी इक्वल्स होती है, इक्वल एंड पैरेलल. तो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो जो ए बी होगी वही डी सी होगी, जो ए डी होगी वही बी सी होगी. हमने जो एडजेसेंट साइड ली लेट करते हैं कि वह एडजेसेंट साइड ए डी और डी सी ली. तो अगर ए डी 3x है तो डी सी 8x है. तो डी सी की अपोजिट साइड्स कौन सी है, ए बी, वो भी 8x ही होगी. ए डी की अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, वो भी 3x होगी. तो द अदर टू साइड साइड्स, दो अदर जो साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, आर आल्सो 3x एंड 8x, वो भी 3x और 8x ही होंगी. अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, 2. पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 2 एल प्लस बी, ये हमने फॉर्मूला लिया.
पेरीमीटर इज इक्वल टू हमें गिवन है 110 सेंटीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा 2 एल प्लस बी इज इक्वल टू 110 2. तो लेंथ हमने डीसी ले ली 8x, ब्रेथ एडी 3x इज इक्वल टू 110. 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 11x इज इक्वल टू 110. 22x 110 और x की वैल्यू आएगी 110 अपॉन 22. 11 से डिवाइड किया 11 1 जा 11 10 11 2 जा यानी 5. तो x की वैल्यू हमने फाइंड करी 5. अब इसे पुट कर देते हैं तो AD मेजरमेंट ऑफ AD 3 मल्टीप्लाई 5 3x है 3 मल्टीप्लाई 5 यानी 15 सेंटीमीटर. तो AD इज इक्वल टू BC तो ये दोनों हो गई 15 सेंटीमीटर. DC है 8x तो 8 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 40 सेंटीमीटर. DC के अपोजिट साइड्स है AB तो AB भी होगी 40 सेंटीमीटर. वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3/4 टाइम्स इट्स एडजेसेंट साइड. इफ द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 70 सेंटीमीटर फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में हमें इसका पेरीमीटर गिवन है. एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है. वन साइड जो है पैरेललोग्राम की वो है अपनी एडजेसेंट साइड की 3/4 टाइम्स. तो हमने वन साइड को भी एक साइड ली. लेट वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम बी x सेंटीमीटर. तो इट्स एडजेसेंट साइड विल बी साइड वो कितनी होगी 3/4 टाइम्स ऑफ इट्स. वो क्या थी x तो 3/4 x. हमने एक जो साइड ली सपोज करो हमने AD ले ली x सेंटीमीटर. तो x के AD की एडजेसेंट साइड है DC या AB भी हो सकती है. तो हमने DC ली एडजेसेंट साइड तो वो कितनी होगी 3/4 x. अब पेरीमीटर हमें मालूम है होता है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 70 सेंटीमीटर और पेरीमीटर 2 एल प्लस बी इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर. 2 लेंथ हमारे पास होगी 3/4 x. ब्रेथ ले ली हमने x. इसे सॉल्व करके पहले x डिफाइन करते हैं. हमने एलसीएम ले लिया 4 3x प्लस x के नीचे 1 डिनोमिनेटर पुट कर दिया 4x इज इक्वल टू 70. तो 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 4x 7x अपॉन 4 इज इक्वल टू 70. तो इसे डिवाइड कर दिया 2 आ गया. बाकी सॉल्यूशन यहाँ करते हैं 7x अपॉन 2 इज इक्वल टू 70. तो x इज इक्वल टू 70 टू डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला गया 7 न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ गया LHS से जब RHS में आया 7 वन जा 7 10 जा और 10 टू जा 20. तो x की वैल्यू हमने फाइंड करी 20. x क्या थी हमारी वन साइड थी. कौन सी साइड थी वो AD. तो AD आ गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर और AD के इक्वल कौन सी साइड है BC. तो AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. वो दोनों 20 सेंटीमीटर होगी. सेकेंड साइड है हमारे पास DC. DC इज 3/4 टाइम्स ऑफ 20 मल्टीप्लाई 20 4 वन जा 4 5 जा मीन्स 15 सेंटीमीटर. तो DC 15 है तो DC के इक्वल है AB. तो AB भी आई 15 सेंटीमीटर.